कोरोना से खौफ के बीच बोकारो से एक अच्छी खबर सामने आई है। इस खबर के आने से बोकारो जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी काफी राहत की सांस ली है। बोकारो जनरल अस्पताल के कोविड 19 वार्ड में इलाज करा रहे 9 मरीजों में से 4 मरीजों को पूरी तरह से स्वस्थ कर घर भेज दिया गया है। इनमें बोकारो का कोरोना संक्रमित पहला मरीज जो कि एक महिला थी, उस महिला मरीज के साथ उस परिवार के 3 मरीज जिन्हें 8 वर्ष और 15 वर्ष की बच्ची और उस परिवार का एक युवक इस महामारी के खिलाफ जंग जीतने में सफल हुआ है। कोरोना वायरस से जंग जीतने के बाद अस्पताल से आज छुट्टी दे दी गई है। जिला प्रशासन ने बच्चों को खिलौने और दूसरे मरीजों को गुलदस्ते दिए हैं और ताली बजाकर अभिनंदन और अभिवादन किया। में थे, लगे हुए थे और खिदमत किए, और जितने डॉक्टर हैं यहाँ के नर्स हैं सबको धन्यवाद करते हैं हम लोग कि ऐसा खिदमत किए कि जैसा ससुराल में भी हमारा खिदमत नहीं होता है। और यहाँ पर जो जितने भी थे अंदर में डॉक्टर नर्स ये सब अच्छे अखलाक वाले मोहब्बत वाले थे, बिहेव भी बहुत अच्छा था इनका, और बहुत अच्छा ये मैसेज जाएगा जैसा हम लोग का खिदमत हुआ है। और ये कोरोना का मरीज होना ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये घबराने की भी बात नहीं है और डॉक्टरों को भी घबराने की बात नहीं है और पेशेंट को भी घबराने की बात नहीं है। शुरू में जो माहौल था पूरे दहशत का माहौल था, ये सिर्फ विश्व में नहीं हमारे देश में रहा। हमारे स्वास्थ्यकर्मी भी काफ़ी डरे हुए थे। जिस हिसाब से इसका पिछले 4 महीनों से पूरे विश्व में इसका जो संक्रमण हुआ, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने इसको टैकल करना शुरू किया। हमने अपना जो आइसोलेशन वार्ड बनाया और ये जो पहला मरीज 5 तारीख को आया, उसके बाद से धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हुई। हम लोग एक डॉक्टर के तौर पे जो करते थे सब कुछ हमने किया। आज आप सब लोगों ने देखा, आप सब लोग जो है एक तरह से साक्षी हैं और एक सचमुच में इस कोरोना के इस महामारी में संकट में जिस तरह का प्रेशर, जिस तरह का स्ट्रेस सभी अक्रॉस दी डिपार्टमेंट्स और इवन आम लोगों में है, उसमें ये तसल्ली और सुकून भरी खबर है। और 4 लोगों को, 4 जिन कोरोना पॉजिटिव केसेस को डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, स्टाफ्स ने अपने एफर्ट से अपनी रेगुलर मेडिकल सर्विलांस के जरिए जिस तरह से क्योर करके भेजा है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये इससे जो है एक बल मिलेगा जो हमारे कोरोना वॉरियर, चाहे वो सफाई कर्मी हो या डॉक्टर्स हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो, उन सबको एक तरह का जो है संबल भी इससे मिलता है। मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, स्वस्थ होने के बाद वो घर लौट आए हैं। और ऐसे में पूरी खबर के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं अपने संवाददाता नीरज का, जो कि बोकारो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे कि ये कितने बड़ी राहत की खबर है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए कि 4 कोरोना के मरीज स्वस्थ हो गए हैं, घर वापस लौट गए हैं। क्योंकि बोकारो जिला में जो है 10 मरीज थे और बोकारो जिले के जो है कोरोना को लेकर रेड जोन में रखा गया था, और अब 4 जो मरीज हैं स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। तो ये निश्चित तौर पे बोकारो जिला ही नहीं, आसपास के जो जिले हैं या पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो बहुत ही सुखद समाचार है। और यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं जिनमें जो कोरोना का खौफ था, उनके लिए भी काफी सुखद समाचार है। और जैसा वहाँ चिकित्सकों का कहना है कि हम लोग भी शुरू में जब मरीज आए तो हम लोग भी थोड़ा डर का माहौल था हम लोगों के बीच में भी, और उसके बाद हम लोगों को जैसा जैसा गाइडलाइन आया और हम लोगों ने पूरा अपना एफर्ट लगाया और उसके बाद मरीजों की इलाज किया, और उसका नतीजा है कि आज जो इनके चेहरे पे आप मुस्कान देख रहे हैं, आज जो इनके चेहरे पे प्रसन्नता है और जो कॉन्फिडेंस है उससे हमको भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और जैसा मरीज ने कहा डॉक्टरों के बारे में कि डॉक्टरों ने जो हम यहाँ पे जब हम आए हम इलाज के लिए भर्ती हुए तो हमारी सेवा इस तरीके से की गई कि ऐसी सेवा हमारी ससुराल में भी हमारी नहीं होती है। तो कुल मिला के कहने कि ये जो पॉजिटिव एक खबर है जो 4 मरीज यहाँ से रिलीज हुए, बिल्कुल मतलब पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे बोकारो जिला के वासियों के लिए और सभी जो है जिला प्रशासन के लोग हों, वो चाहे डॉक्टर्स की टीम हो, उनके लिए बहुत सुखद समाचार है। और ये जो मरीज रिलीज हुए हैं, हमको बता दें कि ये पहली मरीज थी बोकारो में जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसी के परिवार के 3 लोग हैं जिसमें 2 बच्चियां और एक जो है उनके रिलेटिव हैं वो शामिल हैं। और ये मतलब जैसा उनका एक्सपीरियंस दिखा और जो उनके चेहरे पे मुस्कान दिखा, जिला प्रशासन ने भी उनका कभी काफी गर्मजोशी से स्वागत किया, जो बच्चे थे उनको क्रेडिट दिया। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी राहत।